السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين। हर किस्म की तारीफ और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाबरकत के लिए ही लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का एक तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतजिम है, जो सारी मखलूक की तख्लीक करने वाला, उनको पैदा करने वाला, हर मखलूक की जरूरत पूरी करने वाला और हर मखलूक की हिफाजत करने वाला है, उसी अल्लाह के लिए हर किस्म की तारीफ और उसका शुक्र है। दरूद सलाम हो अंबिया इकराम पर, जिन्हें इंसान और जिन की हिदायत के लिए मबूस फरमाया गया, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल्लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर और सहाबे इकराम पर। मौजूद सामिन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह लुकमान शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में कुरान मुकद्दस का फहम हासिल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, उस पर ईमान ला करके अमल सालेह की बुनियाद में लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सूरह लुकमान मक्की सूरत है और मक्का के बीच के दौर में यह सूरत नाजिल हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हर्फ मुक़त्तआत हैं जो अलग अलग पढ़े जाते हैं और जिसकी मीनिंग सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के और कोई नहीं जानता। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयत है। तिलका आयातुल, ये आयतें हैं। किताब यहाँ पे किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। कुरान मुकद्दस के कई नाम हैं, जिसमें से एक नाम किताब भी है। और ये किताब कैसी है? हिकमत वाली किताब है। हिकमत से मुराद ये हिकमतों से भरपूर है। कब कौन सी बात या कब कौन सा अमल किया जाएगा, इसे भी हिकमत कहते हैं। तो ये हिकमतों से भरी हुई किताब है। दूसरा, हिकमत के माने, हिकमत के माने मुहकम के हैं, यानी कयामत तक इसकी कोई, इस किताब की कोई मनसूख नहीं कर सकता, यानी इस किताब, ये किताब मनसूख नहीं होगी कयामत तक, ये ऐसी मुहकम किताब है। तीसरा, नक्स से पाक है, यानी इसके अंदर जो भी अहकाम और मसाइल हैं, जो भी अवामिर और नवाही है, जो भी खबरें पहले की बताई गई है और आने वाली बताई गई हैं, ये हर किस्म के नक्स से पाक है। ये ऐसी हिकमत वाली किताब है। इस हिकमत वाली किताब से क्या हासिल होता है या इससे जुड़ जाने वाले को क्या मिलेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 3 के अंदर फरमाता है, हुदा व रहमतन लिल मुहसिनीन, इसके अंदर हिदायत है और रहमत है लिल मुहसिनीन, मुहसिनीन के लिए। ये आयतें बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं सूरह बकरा की इब्तदाई आयतों से। उसमें भी इसी जिम्न की बात कही गई है, अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैबा, ये वो किताब है जिसके अंदर रैब नहीं है। यहां पे कहा गया तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये वो किताब है जो हिकमत से भरी हुई है। हुदल्लिल मुत्तकीन, वहां पे कहा गया ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, जो तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर रखते हैं, यानी ये हिदायत हर किसी को नसीब नहीं होगी। कुरान का पढ़ने वाले बहुत से होंगे, लेकिन कुरान को सुनने वाले बहुत से होंगे, लेकिन हिदायत किसका मुकद्दर बनेगी? जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर जो मुहसिनीन होंगे,
तो हिदायत क्या है? असल में हिदायत तीन मानों में कुरान में आई है। एक वो हिदायत की जो भी इसको पढ़ेगा उस हिदायत को पालेगा, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हिदायत है लोगों के लिए, यानी जो भी लोग इसको पढ़ेंगे, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, जिस भी मजहब के मानने वाले इस कुरान को पढ़ेंगे वो इससे हिदायत पाएंगे। लेकिन वो कौन सी हिदायत होगी? मिनल बय्यिनात वल फुरकान, सही और गलत की हिदायत उसे मिल जाएगी। ये सही है ये गलत है ये जान लेगा, जो हम जानते हैं, हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, हमें भी पता है कि ये सही है ये गलत है, ये खालिक है ये खालिक नहीं है, ये मखलूक है, ये नहीं दे सकता, देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, ये शिर्क है ये बिदात है ये हराम है ये हलाल है, ये सही है ये गलत है, ये सही और गलत की हिदायत हर उस शख्स को मिलेगी जो कुरान को पढ़ेगा। लेकिन ये हिदायत कामयाब और कामरान नहीं करती जब तक इस हिदायत पर अमल ना हो। जैसे एक बहुत मशहूर वाकया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं और अबू जहल और उतबा बैठे हुए हैं, उतबा अबू जहल से पूछता है कि ये जो जा रहे हैं इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मजूसी कहता था, कोई शायर कहता था, कोई दीवाना, कोई पागल, कुछ भी कहा करते थे, तुम्हारा क्या ख्याल है इनके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अबू जहल पूरे जोश में आकर के कहता है कि अल्लाह की कसम ये अल्लाह के नबी है। तो सही और गलत की हिदायत तो इससे भी थी कि ये आम शख्सियत नहीं है, अल्लाह की कसम ये अल्लाह के नबी है, अबू जहल का कौल है। इसी तरीके से और भी कौल आपने कुरान में सुना होगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको अपने बेटों से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, यानी यहूदी और नसरानी आपको खूब अच्छी तरह पहचानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं और इस कलाम को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह का कलाम है। तो सही और गलत की हिदायत तो उन्हें भी थी जिन्होंने आप पर ईमान नहीं लाए जानने के बावजूद, सिर्फ इस वजह से कि यह हमारे कबीले में या हमारे सिजरे में क्यों नहीं, बनू इब्राहिम में क्यों नहीं आए, याकूब के खानदान में क्यों नहीं आए, बनी इसराइल में। तो ये सही और गलत की हिदायत हमें मिली है। अबू जहल से उतबा पूछता है कि जब तुमने जान लिया है कि अल्लाह के नबी है तो मान क्यों नहीं लेते, मान क्यों नहीं लेते सुमरान, अब इन्हें नबी तस्लीम क्यों नहीं कर लेते, अब इनके हाथ पर बैत करके इनका इनके मजहब को क्यों नहीं कबूल कर लेते, इनके इताअत और फरमाबरदारी क्यों नहीं करते, इताअत और फरमाबरदारी क्यों नहीं करते? तो अबू जहल क्या कहता है, सरदारी चली जाएगी। यही कुछ ना कुछ जाने का डर हमें भी है, हम भी जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, खालिक कौन है मखलूक कौन है, बिदअत क्या है और सुन्नत क्या है, हराम क्या है हलाल क्या है, क्या अल्लाह की फरमाबरदारी है क्या नाफरमानी है। हम इतने दिनों से कुरान पढ़ रहे हैं, अब मुसलमान घर में पैदा हुए, हलाल हराम की सही और गलत की हमें खूब तमीज है, लेकिन क्यों नहीं अमल करते? ख्वाहिश चली जाएगी, कहीं इज्जत चली जाएगी, कहीं दोस्ती खत्म हो जाएगी, कहीं रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, कहीं कबीला नाराज हो जाएगा। ये एक हिदायत होती है जो हिदायत जन्नत में नहीं ले जाएगी। दूसरी हिदायत कुरान के अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 150 के अंदर आई कि फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन पूछता है कि कौन है तेरा रब, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि मेरा रब वो है जो मखलूक को, जो बंदे को, जो मखलूक का अंदाजा ठहराता है, मतलब फिरौन अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे बताया कि तू अपने लिए औलाद पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, मेरा रब जो मखलूक बना देता है उसका अंदाजा भी वो ठहराता है, तू उसका अंदाजा बदलने की ताकत भी नहीं रखता। जैसे आज भी आप देख ले, हम कितने ही विटामिन के इंजेक्शन लगा करके किसी जानवर का अंदाजा नहीं बदल सकते, यानी मुर्गी को शुतुरमुर्ग नहीं बना सकते और बकरी को खूब खिला करके और गाय जैसा नहीं बना सकते, और फिर कहा कि मेरा रब उसे हिदायत देता है और उसे जिंदगी जीने की हिदायत देता है, जिंदगी जीने की हिदायत,
यानी उसके लिए क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, हर जानवर के अंदर इनबिल्ट है। ये दूसरे किस्म की हिदायत है और इसी हिदायत से आप असल हिदायत को समझेंगे। और एक हिदायत वो है जो अमल की हिदायत है, जिस हिदायत का यहां पर जिक्र हो रहा है, जिस हिदायत को हम नमाज के अंदर मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते की, उन लोगों के जैसा हमें बनना है जिन पर तेरा इनाम हुआ, यानी अमल की हिदायत मांग रहे हैं। और इस अमल की हिदायत से बढ़ करके दुनिया के अंदर कोई कीमती चीज नहीं। जब बंदा इया का नाम तो वैया का नस्तईन कहता है, अपनी पैदाइश के मकसद को पूरा करता है और ऐलान करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे सिखाता है कि अब ये मांग ले तो, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं। तो ये कुरान बंदे को हिदायत देगा और जब इस हिदायत पर बंदा चलने लगेगा, यानी उस अहकामात पर, उस हुक्म पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आए हुए हैं, उस पर जब वो अमल करने की उसे हिदायत मिल जाएगी, तो उसके बाद उसे एक रहमत मिलेगी। रहमत वो मुआशरा जो इस्लामी मुआशरा है, जो इस्लामी तर्ज जिंदगी है, और ये किसे मिलेगी? लिल मुहसिनीन, मुहसिनों को मिलती है। फिर से समझे, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये किताब की आयतें हैं जो हिकमत से भरी हुई है। इस हिदायत की किताब में से जो जुड़ेगा उसे क्या मिलेगा? उसे हिदायत मिलेगी और रहमत मिलेगी। लिल मुहसिनीन, अगर वो मुहसिन होगा तो। मुहसिन क्या है? मुहसिन किसी काम को अच्छे तरीके से करना। लेकिन इस्तिलाह में दीन के अंदर इसकी मीनिंग क्या होगी? किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए जब हम किसी काम को करेंगे तो उस काम में चंद चीजों का होना जरूरी है, जैसे सुन्नत का होना जरूरी है, एक और एहसान का मीनिंग पिछली क्लास में गई है कि हम किसी के साथ अच्छा सलूक करें गोया कि वो उसके साथ अच्छा सलूक करता हो या ना करता हो। यानी हमारे साथ कोई अगर अच्छा सलूक नहीं भी कर रहा है तो हम उसके साथ अच्छा सलूक करें, ये एहसान है। एक और एहसान जो हदीसे जिब्राइल के अंदर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब पूछा था एहसान क्या है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एहसान वो है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसा कर जैसा कि गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, और ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो ये तसव्वुर जरूर हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है, ये जो है दीन का सबसे ऊंचा दर्जा है, अध्यात्म का सबसे ऊंचा लेवल है कि बंदा इस पोजीशन में आ जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हर वक्त वो इस पोजीशन, इस कंडीशन में रहे, इस हालत में रहे, इस कैफियत में रहे, ईमान की ऐसी कैफियत में रहे कि कोई नहीं देख रहा मुझे लेकिन मेरा खालिक मुझे देख रहा है। हर गुनाह के काम करने से उसका हाथ, उसकी जुबान, उसका दिल रुक जाए, मेरा खालिक मुझे देख रहा है, ये एहसान। और एहसान एक ये कि कोई मेरे साथ अच्छा सलूक करे या ना करे, मुझे उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अब ये एहसान की सिफत किसके अंदर होती है, या जिसके अंदर एहसान की सिफत होती है उसके, ये जिस जो मोहसिन बंदा होता है उसके अंदर क्या सिफत होती है, जो मोहसिन बंदा होता है उसके अंदर क्या सिफत होती है, अब उसको देखते हैं। अल्लज़ीना युकीमूना सलात, उसके अंदर ये सिफत होती है कि वो नमाज का कायम करने वाला होता है, सलात का कायम करने वाला होता है। सलात का कायम करना यानी नमाज के फराइज और नवाफिल के साथ उसको सही, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है उस अंदाज में उसको पढ़ना, सारे फराइज सारी सुन्नतों का एहतमाम करना। और उसके बाद वायुतूना जकात, और वो जकात को अदा करते हैं और वो जकात को देने वाले होते हैं। ये मक्की सूरत है और मक्का के अंदर भी जकात है, लेकिन जकात कितनी दी जाएगी ये तय नहीं किया गया, कितने माल पर कितनी जकात होगी ये मदीना में तय किया गया था, लेकिन जकात का और नमाज का कॉन्सेप्ट जो है वो मक्का के अंदर भी था। हालांकि नमाज फर्ज नहीं हुई है, वो तो मेराज में जाने के बाद नमाज पांच वक्त की फर्ज हुई है, और इसी तरीके से कितने माल पर कितनी जकात दी जाएगी ये मदीना में तय हुआ। तो दूसरी सिफत मुहसिन की
कि वो ज़कात अदा करने वाला होता है, तीसरा और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब इस बात पे गौर करें कि अगर ये तीन सिफत नहीं हुई इन सिफत के बगैर मोहसिनीन का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? इन तीन सिफत के बगैर मोहसिन का एहसान करने वाले का तस्वुर क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें जो तीसरी सिफत बताई गई और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, वाकई अगर आखिरत पर यकीन ना हो तो कोई शख्स मोहसिन नहीं हो सकता। वो ऐसा अमल करे कि कोई उसे नुकसान भी पहुंचा रहा है और कोई ऐसा शख्स है जो उसके किसी काम का नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, उससे वो अच्छा सलूक नहीं कर रहा लेकिन उसके बाद भी वो उससे अच्छा सलूक करे, ये कब हो सकता है? जब उसे यकीन हो कि एक आखिरी दिन है जहां पे मुझे इसका हिसाब दिया जाएगा, इसका अज्र दिया जाएगा, तभी वो ऐसे शख्स को देगा जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे शख्स के साथ अच्छा सलूक करेगा जो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। मतलब उसे पता है, उसे यकीन है कि ये शख्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा बोलने वाला, अच्छा सोचने वाला, अच्छा करने वाला नहीं है, तो उस शख्स के लिए कोई अच्छा क्यों करेगा? उस शख्स के लिए अच्छा वही करेगा जिसे उससे नहीं आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से यकीन हो, वही उसके साथ करेगा। तो एहसान वही करेगा जिसको आखिरत पर यकीन है। दूसरा, नमाज का वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना, यह कोई छोटा मोटा अमल नहीं है। नमाज वक्त पे ना होने की वजह से मैंने कई लोगों को देखा हूं कि उन्होंने अपने अच्छे अच्छे जॉब को छोड़ दिया, अच्छे अच्छे कारोबार को छोड़ दिया, नौकरियों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वक्त पर नमाज नहीं हो पाती और नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। क्या दुनिया मतलब इस शख्स को तबाह होते हुए नजर आ रही है कि अगर मैं जॉब छोड़ देता हूं तो दुनिया तबाह हो जाएगी? लेकिन वो क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसे आखिरत पर यकीन है कि यह बजाहिर मुझे नुकसान नजर आ रहा है लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इसका अज्र देगा। तो आखिरत पर जिसको यकीन है वही इस अमल को कर सकता है और वही मुहसिनीन के दर्जे तक पहुंच सकता है। तीसरा, ज़कात का अदा करना। उसने मेहनत करके और जो पैसे को इकट्ठा किया है उसमें से वो गरीबों को बांट दे, मोहताजों को बांट दे, जरूरतमंदों को बांट दे, कैसे हो सकता है? ये तो नुकसान और बर्बादी नजर आ रही है सीधे सीधे। लेकिन ये वही कर सकता है जिसे आखिरत का यकीन हो। तो ये तीनों सिफात उसी शख्स के अंदर हो सकती है और जो मोहसिन है, और अगर वो मोहसिन नहीं तो ये सिफत भी नहीं हो सकती। अब ये जो सिफात के मालिक है या ये जो मोहसिनीन लोग हैं जिन्हें हिदायत और रहमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नसीब होती है, इनको क्या और मिलने वाला है? यही वो लोग हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये फला पाने वाले लोग हैं। सूरह बकरा की भी पांचवी आयत में इसी तरीके से बात की गई। खैर, यहां पे हम देखते हैं उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग हैं अपने रब के तरफ से हिदायत पर। हम लोग भी बहुत कुछ सोचते हैं कि हम हिदायत पर हैं, हमारे फला लोग हिदायत पर नहीं है, हमें उनको हिदायत पर लेकर के आना है। या दुआ के लिए भी किसी से कहते हैं तो कहते हैं हमारे फला रिश्तेदार को हिदायत के लिए दुआ करिएगा। मतलब हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हम हिदायत याफ्ता हैं, इसलिए फला को और फला को हिदायत याफ्ता हम नहीं समझते और उसे हिदायत पे लाने की कोशिश या उसे हिदायत पे लाने के लिए दुआ करते हैं। जरा हम अपना भी जायजा लें कि हम हिदायत पे हैं या नहीं है। तो हम हिदायत पे हैं या नहीं है ये बात कैसे पता चलेगी? कौन लोग हिदायत पे हैं ये बात कैसे पता चलेगी? तो वो इसी से पता चलेगी कि अगर ये सिफात हमारे अंदर है तो हम हिदायत याफ्ता हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया यही लोग अपने रब के तरफ से हिदायत पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहर लगा दी कि ये लोग हिदायत पर हैं। कौन? अब जिसके अंदर ये चार सिफत पाई जाएगी। सबसे पहली सिफत कि वो मुहसिन होगा, वो इस हाल में जीने वाला है कि अल्लाह उसे देख रहा है या वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख रहा है।
वो ऐसे अमल करने वाला है कि कोई उसके लिए अच्छा करे या ना करे, वो उसके लिए अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए नहीं कर रहा, उसको राजी करने के लिए, उससे बदला पाने के लिए नहीं कर रहा है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए, अल्लाह से बदला पाने के लिए कर रहा है। किसी को वो जकात दे रहा है तो वो इसलिए नहीं दे रहा कि ये मुझे साल भर सलाम करेगा या मेरे घर के काम करेगा या मेरी जरूरत पूरी करेगा या मेरी तारीफ करता हुआ फिरेगा। उसने जकात देकर के भूल गया, क्योंकि वो उससे अज्र नहीं चाहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अज्र चाहता है। कोई उसके खानदान का है, कोई उसका रिश्तेदार है और वो ज्यादा हकदार है जकात का, और वो उसके लिए बुरा कहता है या उसके लिए अच्छा नहीं सोचता, तो वो उसको देगा, क्योंकि उससे बदला नहीं चाहिए, उसे अल्लाह से चाहिए। किसी ने अगर यतीम की कफालत की है तो वो इसलिए कर रहा है कि अल्लाह मुझे अज्र देगा, वो यतीम उसके लिए पलट करके उसके बुढ़ापे का सहारा बने ना बने, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। यह है मोहसिन, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अज्र का तालिब होता है। और नमाज वो कायम करने वाला होता है कि वक्त की पाबंदी के साथ सुन्नत और फर्ज का एहतमाम करते हुए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, उसे होश रहता है और इस तरीके से वो सुन्नत और फर्ज की पाबंदी करता है। और फिर वो जकात अदा करता है, यानी अपने माल को में से उतना माल जो निसाब को पहुंच जाता है उस माल को वो अपना नहीं समझता, वो ये जरूरतमंदों का समझता है और जरूरतमंदों तक उसे पहुंचाता है। और वो आखिरत असल में ये काम क्यों करता है, ये काम करना उसके लिए आसान क्यों हो गया? ये काम बहुत मुश्किल है, अपनी दौलत को दूसरों को लुटा देना और कारोबार को छोड़ करके, दुकान को छोड़ करके और नमाज पढ़ने के लिए आ जाना, अपनी जरूरतों को छोड़ करके घर में बीवी और बच्चों को छोड़ करके नमाज के लिए आ जाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। ये काम कौन कर पाता है, ये एहसान कौन कर पाता है कि उसे जरूरत है लेकिन दूसरों को उसकी, दूसरों की जरूरत उससे ज्यादा महसूस किया और उसकी जरूरत पूरी किया। ये भी एहसान में आएगा कि हम जरूरतमंद थे लेकिन हमने अपने से पहले अपने मुसलमान भाई को तरजीह दी कि वो जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी हो जाना चाहिए। तो ये काम किसके लिए आसान है? ये काम उसी के लिए आसान है जो हिदायत या जो मोहसिन है या जो आखिरत पर यकीन रखता है कि आखिरत में मुझे इसका अज्र मिलेगा। और यही लोग अल्लाह फरमाता है कि हिदायत याफ्ता है। अगर ये सिफात हमारे अंदर है, यानी हम मोहसिन हैं, नमाज के पाबंद हैं, जकात अदा करने वाले हैं, आखिरत पर यकीन करने वाले हैं, तो गोया कि हम हिदायत याफ्ता हैं। और अगर ये सिफात हमारे अंदर नहीं तो हमें खुद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिदायत की दुआ मांगनी होगी, और हिदायत की दुआ तो कयामत मरने तक मांगना है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी भी हिदायत अता फरमा दे, इसकी भी हिदायत, हर अमल की हिदायत हमें मांगते रहना है। ये हिदायत का अगर मोटे लफ्जों के अंदर उसको समझे तो ये होगा वही इलाही का इल्म और उस पर अमल की तौफीक। अमल की तौफीक असल है, और अमल किस पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर, नबी मुकर्रम के अहकामात पर। तो वही इलाही का इल्म होगा तभी उस पर अमल कर सकता है। तो वही इलाही का इल्म और उस पर अमल, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। और वाउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हिदायत याफ्ता, यही लोग फलाह पाने वाले हैं, और फलाह पाने वालों में ये सिफात हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अंदर ये सिफात को कामिल फरमा दे। ये थे मोमिनों का जिक्र या मोहसिनों का जिक्र, नेकोकारों का जिक्र। और नेकोकारों के जिक्र के अंदर एक आयत और नोट करें, सूरह जुमर आयत नंबर 23। सूरह जुमर आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक मिलती जुलती किताब दोहराई जाती है। मतलब इसके अहकामात, फराइज जो है, अवामिर और नवाही, ये मिलते जुलते एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, जो लोग खशियत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर रखते हैं, उससे उनके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो कुरान को पढ़ते हैं, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर रखते हैं, उसका ईमान रखते हैं। तो जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो इनकी कैफियत कैसी होती है? इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नरम पड़ जाते हैं, नरम अल्लाह की याद करते हैं,
अल्लाह की याद की तरफ हो जाते हैं, मतलब उनके उनके बदन, उनकी खाले, उनकी स्किन जो है वो नरम पड़ जाती है और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। यहां तक के बाज दफा तो यूं भी होता है कि मोमिन रोते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में सजदारेज हो जाते हैं। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत, यही अल्लाह की हिदायत है, ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिदायत की जिसे हिदायत मिल जाती है वो शख्स ऐसा हो जाता है, वो उसके जरिए से जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसको गुमराह करना चाहता है उसे हिदायत से रोक देता है या हिदायत नहीं देता। यहां तक तो था नेकोकारों का जिक्र पांच आयतों के अंदर या मोमिनों का जिक्र, अब यहां से गैर मोमिन का जिक्र शुरू हो रहा है। मोमिन के जिक्र में और गैर मोमिन के जिक्र में क्या फर्क है उसको आज हमें समझना है और यही सबसे अहम बात है आज की क्लास की। दूसरा, जो गैर मोमिन है उनके क्या रवैये हैं। वमिन नास अयश तरी लहवल हदीसे, और लोगों में से बाज वो है जो दिल फरेब यानी गाफिल कर देने वाले कलाम खरीदते हैं, दिल फरेब गाफिल कर देने वाले कलाम खरीदते हैं। इससे क्या मुराद है, एक इधर आपने पढ़ा अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम, तो ये हकीम किताब अल्लाह की किताब की खरीदार बने, उससे अपने आप को जोड़ लिया, उससे अपने आप को मुंसलिक कर लिया, तो इनके अंदर हिदायत भी आ गई, रहमत भी आ गई और मोहसिनीन भी बन गई। और मोहसिनीन क्यों बन गए उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत कर दिया कि इनके अंदर ये तीन सिफात है। लेकिन इनके बरक्स जो दूसरे लोग हैं उन्होंने क्या खरीदा, इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से अपने आप को जोड़ा, इन्होंने अपने आप को किस चीज से जोड़ा, जो गैर ईमान बन गए, इवाले बन गए और जो तबाह और बर्बाद हो गए, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया फबशर हो बे मगफिरत बे अजाब अलीम, फबशर हो आप उन्हें बशारत सुना दीजिए बे अजाब अलीम यानी दर्दनाक अजाब की आप उन्हें खबर दे दीजिए। आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, तो क्या चीज थी इनके अंदर, इन्होंने खरीदा था और लोगों में से बाज वो है जो दिल फरेब यानी गाफिल कर देने वाला कलाम खरीदते हैं। किससे गाफिल करने वाला, अपने खालिक से गाफिल करने वाला, खालिक के कलाम से गाफिल करने वाला। इसकी तफसीर तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 653। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कहने लगे वो जात जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा करके कहते हैं, लहवा व हदीसे से मुराद मौसूकी, और उस बात को उन्होंने तीन बार फरमाया। मौसूकी है यानी गाना बजाना है और ये बात आपने तीन बार फरमाई कि इससे मुराद यही है कि अल्लाह का कलाम एक तरफ है और एक तरफ मुशरिकीन मक्का कलाम को छोड़ करके और गाने बजाने में और इस तरीके की बातों में वो लगे रहा करते थे। कभी वो शेर व शायरी पढ़ रहे हैं, कभी गाने बजाने में लगे हुए हैं, कभी बाप दादा के जो है कारनामों को एक दूसरे से बयान करने में लगे हुए हैं, और एक तरफ दूसरा फरीक है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से जुड़ा हुआ है, तो उससे आपने इसकी मुशाबहत की। और इमाम कतादा, अच्छा ये जो लेकर क्या है तफसीर इब्न कसीर ने, तफसीर अल तबरी जिल नंबर 21 और सफा नंबर 74 से लिया है। और इमाम कतादा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, सच्चे और हक बातों के बजाय, सच्ची और हक बात के बजाय यानी कुरान और हदीस के बजाय झूठी हिकायतों की तरजीह देना, झूठी हिकायतों को तरजीह देना यानी कुरान और हदीस के ऊपर किसी दूसरी बात को तरजीह देना, यानी कुरान और हदीस को जानने और सीखने और अमल के ऊपर किसी और बात को जानना सीखना और अमल पर तरजीह देना। ये कौन फरमाता है, इमाम कतादा ने इसे फरमाया है, और इमाम कतादा की इस बात को तफसीर इब्न कसीर ने तफसीर अल तबरी से लेकर क्या है, तफसीर अल तबरी जिल नंबर 21 और सफा नंबर 74 उसी के आगे। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को तरजीह दी है, इस बात को मुकदम किया है, तरजीह दी है कि इससे मुराद हर वो काम है जो अल्लाह ताला की आयत और उसके रास्ते की इत्तेबा से रोक दे, हर वो काम जो अल्लाह ताला की
जो अल्लाह ताला की आयत और उसके रास्ते से रोक दे, हर वो काम जो अल्लाह ताला की आयतों और उसके रास्तों से रोक दे। हमारे दौर में क्या चीज रोकती है? एक तो मौसुकी है ही, यानी गाना बजाना है ही, कि इसको इतना आम कर दिया गया घरों के अंदर कि इसे जुर्म ही नहीं समझा जाता। बहरहाल, तो हमारा जो मोबाइल है वो भी इससे कोई कम नहीं है। अगर हमें ये मोबाइल अगर हमें कलाम से रोक रहा है, इसके व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, जो भी चीज है वो अगर हमें अल्लाह के कलाम से रोक रहा है, तो ये भी उसी में शामिल होगा। इसे हम समझ लें, मोबाइल की मिसाइल पैसे की तरह है कि अगर इसे चाहे तो हम अच्छी चीज के लिए खर्च करें, हलाल चीज के लिए खर्च करें, और अगर चाहे तो इसको हराम चीज के लिए खर्च करें। अगर हम इसे हराम चीज के लिए खर्च कर रहे हैं तो गोया कि यही होगा मतलब कि हम अल्लाह के कलाम से रुक गए और इसके YouTube में जा करके या Facebook में जा करके हराम चीजों को देखना, हराम चीजों के लिए अपने वक्त को लगाना, तो ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है। इसके ताल्लुक से पहले ये आयत हम देख लेते हैं, फिर चंद अहादीस आपके सामने बयान करता हूं। अल्लाह फरमाता है, और लोगों में से बाज वो हैं जो दिल फरेब यानी गाफिल कर देने वाले कलाम को खरीदते हैं ताकि वो इल्म के बगैर अल्लाह की राह से गुमराह करें और उसका मजाक उड़ाएं। यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अजाब है, मतलब ये दुनिया और आखिरत में रुस्वा कुन अजाब इनके ऊपर होने वाला है। इस ताल्लुक से चंद हदीस। सैयदना अबू आमिर या सैयदना अबू मालिक अशअरी रजी अल्लाह बयान करते हैं उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिना, रेशम, शराब और मौसूकी यानी यही गाने बजाने को हलाल कर लेंगे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5590। क्या मतलब हुआ इसको? कि ऐसे बदबख्त लोग आखिर जमाने में पैदा होंगे जो जिना को, रेशम को और शराब को और मौसूकी को हलाल जान लेंगे। एक और हदीस देखें। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अर्ज मकाम पर जा रहे थे कि अचानक सामने से एक शायर गुजरा। शायर गुजरा यानी उस जमाने, आज के जमाने में जिसको हम लोग हीरो कहते हैं, ये गुजरा जो शेर पढ़ रहा था। आपने फरमाया, तो जाहिर सी बात है कि ये शेर अल्लाह के कलाम या नबी के फरमान का नहीं पढ़ रहा था। तो जो शख्स शेर पढ़ रहा था उस शख्स को आपने फरमाया कि उस शख्स को पकड़ो या फरमाया उस शैतान को इस काम से रोक दो। अगर किसी का पेट यानी दिमाग, अगर किसी का पेट पीप से भरा हुआ हो तो ये बात उससे बदर्जे बेहतर है कि उसका पेट यानी उसका दिमाग शेर से भरा हुआ हो। शेर और शायरी से अगर किसी का दिमाग भरा हुआ है तो ये बात इससे बेहतर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का दिमाग या पेट पीप से भरा हुआ हो। अल्लाह, इस कदर संगीन जुर्म है ये। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये 2259। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2259। सैयदना अबू मालिक अशअरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदल कर उसे पियेंगे और गाने वालियां साज बजाएंगी, बजाने के सामान लाएंगी, तो अल्लाह ताला उन्हें इस जुर्म की वजह से जमीन में धसा देगा और उनमें से बाज को बंदर और बाज को खिंजीर बना देगा। इब्न माजा हदीस नंबर 4020 और इब्न हब्बान हदीस नंबर 6758। इस हदीस को फिर से समाप्त फरमाए। सैयदना अबू मालिक अशअरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग
शराब का नाम बदल कर उसे पियेंगे, जैसे बियर वगैरह और भी कई नाम रख दिए गए हैं, और गाने वालियां साज बजाकर गाने सुनाएगी, है ना, म्यूजिक बजा करके गाने सुनाएंगी। तो अल्लाह ताला उन्हें इस जुर्म की वजह से, क्यों हो गया ये जुर्म, क्योंकि इसने उसे अल्लाह के कलाम से रोक दिया, जिसके अंदर फाहिश थी, जिसके अंदर उरियानी थी, जिसके अंदर हवस थी, उस कलाम से जुड़ करके ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को इन्होंने छोड़ दिया था। तो अल्लाह ताला उन्हें इस जुर्म की वजह से जमीन में धसा देगा और उनमें से बाज को बंदर और बाज को खिंजीर यानी सुअर बना देगा। इब्ने माजा हदीस नंबर 4020 और इब्ने हब्बान हदीस नंबर 6758। एक और हदीस अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों के दो किस्मों में मैंने नहीं देखा, एक तो वो लोग जिनके हाथों में गाय के दुम जैसा कोड़ा होगा, उनसे वो लोगों को अपने धाग बिठाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए मारेंगे। ऐसे लोग पैदा होंगे, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि वो लोगों के हाथ में कोई ऐसी चीज होगी जैसे गाय की दुम होती है ना, उस तरीके से कि सामने से छोटा और बाहर से बड़ा हुआ जो होता है, जिसको हम लोग मोरछल कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग एक तरफ से मोर के पंख ज्यादा बड़े हुए होते हैं और पीछे से वो कम होता है और लोगों को उससे वो मारते हैं, जिस तरीके से आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है और उससे रौब झाड़ते हैं अपना। तो ये ऐसे लोग हैं जो जहन्नम के अंदर जाने वाले हैं। और दूसरी किस्म उन औरतों की जिन्होंने लिबास तो पहना होगा लेकिन वो बरहना होगी, यानी वो लिबास मुख्तसर, कम, बारीक, पतला और तंग होगा, यानी चिपका हुआ होगा। ये लिबास क्यों मना है? हदीस अभी पूरी नहीं हुई, आगे हदीस के अल्फाज वो है, वो मर्दों को अपने तरफ माइल करेंगी और खुद उनके तरफ माइल होगी। ये कम लिबास पहनने की वजह ये है, और जिसके लिबास अच्छे हैं लेकिन वजह बाकी है, क्या वो बच जाएगा? जिसके लिबास अच्छे हैं वो नीचे से ऊपर तक शरीयत में ढका हुआ है लेकिन मकसद उसका भी वही है, क्या है? वो मर्दों को अपने तरफ माइल करेंगी और खुद उनके तरफ माइल होगी, उनके सर बुख्त नसर की ऊंटों के कोहानों के तरह एक तरफ को झुके हुए होंगे, मतलब उनका जो जूड़ा होगा वो एक तरफ झुका हुआ होगा। और आप जानते हैं कि जब जूड़ा पहना जाता है तो पीठ नजर आती है और जो मर्दों को माइल करती है, वो ना तो जन्नत में जाएगी और ना उन्हें उसकी खुशबू नसीब होगी। अल्लाहु अकबर। किसने फरमाया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ना वो जन्नत में जाएगी और यहां तक कि उसे खुशबू भी नसीब नहीं होगी, हालांकि उसकी खुशबू इतने इतने फासले से आ रही होगी, यानी जन्नत की खुशबू बहुत कई मील दूर से भी आ रही होगी, लेकिन ये औरत वहां नहीं जा पाएगी क्योंकि इसने लोगों को फाहिश की तरफ लाया था, मर्दों को फाहिश की तरफ लाया था। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2128, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2128। अब कुरान की एक आयत सुने और फिर हम अपना जायजा लेंगे। सूरह नूर, तो सूरह नूर आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि उन लोगों में बेहयाई फैले जो ईमान लाए, बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यानी मोमिनों के बीच में बेहयाई फैले अगर कोई ये चाहता है, और ये चाहता कैसे? आज देखें कि हमारे घरों के अंदर जो टीवियां रखी हुई होती हैं उससे बेहयाई किस कदर आम हो गई है कि बहू बेटा और खुद साथ में बैठ करके ससुर देख रहे हैं, मौसूखी भी सुन रहे हैं,
गाना बजाना भी देख रहे हैं, नाच भी हो रहा है, कम कपड़े पहन करके गैर महरम औरतें आ रही हैं और मर्द भी आ रहे हैं जो औरतों के लिए गैर महरम है, लेकिन बैठ करके देख रहे हैं इतने सुकून के साथ, बाप बेटी के साथ बैठ करके देख रहा है, सास ससुर जो है अपने बहू के साथ बैठ करके देख रहा है, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो गोया कि ये बेहयाई को आम कर दिए। अब गुनाह इतने बार हो गया कि वो गुनाह गुनाह नजर नहीं आ रहा। गुनाह की यही संगीनी है कि जब बंदा गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो स्याह नुक्ता उसके दिल पे लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करता है फिर स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। अब नसीहत और वसीयत उसके ऊपर असर नहीं करती, अब उसको वो हराम चीज हराम नजर नहीं आ रही, अब उसको अल्लाह की नाफरमानी नाफरमानी नजर नहीं आ रही, नबी मुकर्रम की नाफरमानी नाफरमानी उसको नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो उस गुनाह का आदी हो गया, उस गुनाह का वो उस गुनाह को वो गुनाह नहीं समझ रहा। उसके दिल से दिमाग से जैसे कहा जाता ना कि आंख से पानी मर गया, तो इस तरीके का वो हो जाता है, गोया कि वो बेहयाई को फैला रहा है, बेहयाई को आम कर रहा है। तो ऐसे शख्स के ताल्लुक से यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज रखे कि हम सब ऐसी बेहयाई फैलाने वाले या उस पर अमल करने वाले हों। आयत को फिर से देखें, आयत नंबर 6, और लोगों में से बाज वो हैं जो दिल फरेब यानी गाफिल कर देने वाला कलाम खरीदते हैं, अल्लाह के कलाम के अलावा दूसरा इन्होंने कलाम खरीदा जिसने अल्लाह के कलाम से उन्हें रोक दिया, ताकि वो इल्म के बगैर यानी अल्लाह के कलाम के बगैर, नबी के फरमान के बगैर, वही के इल्म के बगैर अल्लाह की राह दीन से गुमराह करें। और वो दूसरी सिफत उनके अंदर क्या होती है, एक तो उन्होंने कलाम के अलावा किसी और को तरजीह दिया, दूसरा वो उस कलाम से लोगों को रोकते भी हैं, दूसरी सिफत ये है। और तीसरी सिफत, और उसका मजाक उड़ाते हैं, और वो शरीयत का, अल्लाह के कानून का, अल्लाह के दीन का वो मजाक भी उड़ाते हैं। ये लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। आयत नंबर 7, और जब ऐसे शख्स पर हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो तकब्बुर करते हुए पलट जाता है जैसे उसने वो सुना ही नहीं। जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो तकब्बुर करते हुए पलट जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? तकब्बुर का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, एक सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहनना भी क्या तकब्बुर है? तो आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसका आयत जिसका हदीस का मफहूम मैं बता रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, और तकब्बुर यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर यह है कि वो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दे, अल्लाह के फरमान का इनकार कर दे, और दूसरा किसी को हकीर जाने, अपने सामने किसी को हकीर जाने, यानी अल्लाह का हुक्म आया और उसका उसने इनकार कर दिया, ये तकब्बुर है। इब्लीस ने यही किया था और अपने सामने आदम अलैहिस्सलाम को उसने हकीर जाना था, तो ये तकब्बुर है। तो वो तकब्बुर करता है यानी अल्लाह के कलाम को हल्का समझता है, अपने कलाम को, अपने काम को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने तरीके को, अपने रस्म रिवाज को वो बेहतर समझता है। और जब ऐसे शख्स पर हमारी आयतें तिलावत की जाती है तो वो तकब्बुर करते हुए पलट जाता है जैसे उसने वो सुनी ही नहीं। हम अपने ऊपर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जब अहकाम व फरामीन आते हैं तो हम किस तरीके से पलटते हैं? क्या हम उसमें इताअत कर लेते हैं? इताअत अगर कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर इताअत नहीं कर रहे तो गोया यही तकब्बुर है कि हमने अपने काम को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी चीजों को बेहतर समझा और वहां से ऐसे चल रहे हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाता है गोया के उसको गोया के उस उसके दोनों कानों में बहरापन हो, यानी उसने किसी ने डांट उसके कानों में ठूस दिया और सुना ही नहीं उसने, उसको पता ही नहीं क्या चाल। चुनांचे आप उसे दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए, फबशिर हो बे अजाब अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। यह दर्दनाक अजाब की खबर सूरह बकरा की इब्तदाई आयतों में काफिरों के लिए नहीं था, अजाब अलीम था, अजाब अलीम मुनाफिकों के लिए आया था। तो यहां पर दोनों ही इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, काफिर भी और मुनाफिक भी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब की खबर सुनाई। खुलासा कलाम ये
कि अल्लाह का कलाम जब नबी के जरिए से दुनिया में पहुंचता है तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उस कलाम से अपने आप को जोड़ लेते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उस पर गौर फिक्र करते हैं, उसको समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो तकब्बुर करते हैं और उससे ज्यादा तरजीह किसी और चीज को देते हैं। अल्लाह के कलाम को सीखने, उस पर ईमान लाने, उस पर अमल करने से ज्यादा तरजीह वो किसी और चीज को देते हैं। वो वक्त वो गाने बजाने को देंगे, वो वक्त वो अय्याशी को देंगे, वो वक्त वो दुनिया के हासिल करने को देंगे। तो ये दो किस्म के लोग हैं। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये मुहसिनीन है और मुफ्लिहून लोग हैं, फला पाने वाले लोग हैं। और इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये लोग वो लोग हैं जो फबशिर हो बे अजाबिन अलीम, कि इनको आप दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। और हदीस के मुताबिक दुनिया और आखिरत में दोनों में ये दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक होंगे। अब जिन लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाया उनके ताल्लुक से आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत सुनाई और वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुआ, इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहा, और अमल सालेह किए, नेक अमल किए। अमल सालेह उस अमल को कहते हैं जिस अमल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता है और इखलास होता है, अल्लाह की रजा होती है। जब तक अल्लाह की रजा नहीं होगी वो अमल अमल सालेह नहीं बन सकता, नेक अमल नहीं बन सकता। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा वो अमल अमल सालेह नहीं बन सकता। और ईमान शर्त है। ईमान की हालत में पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा यही आयत आपको ये 100 जगह मकामात में मिलेगी, इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहा। तो यहाँ पे भी अल्लाह ने वही फरमाया कि ईमान ले आओ और ईमान के बाद फिर अमल सालेह करो, यानी नबी के तरीके पे इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए अमल करना। तो बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उन लोगों के लिए पुर नेमत बाग है, लहुम जन्नतुन नईम, पुर नेमत बाग है, ऐसे बागात, ऐसी जन्नत जिसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ऐसी जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अता फरमाने वाला है कि जिनको न किसी आंख ने देखा न किसी दिमाग में उसका तस्वुर हुआ, ऐसी जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अता फरमाने वाला है। अल्लाहु अकबर। करना क्या है? सिर्फ दो काम, एक तो ईमान लाना है और दूसरा अमल सालेह करना है, यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए किया हुआ अमल। और ये अमल दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी फायदा देता है, और उनमें हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा, खालिदीन फीहा, जहां पर भी कुरान के अंदर आएगा वो यही माना देगा कि वो हमेशा हमेश के लिए उनके लिए जन्नत है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। कौन वादा कर रहा है? खालिक कायनात वादा कर रहा है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, तुम ये दो काम कर लो, ईमान ले आओ और अमल सालेह कर लो, खालिदीन फीहा, तुम्हें जन्नत में 10 साल 60 साल 50 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेश के लिए रखा जाएगा। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वादल्लाह हक्का, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वादल्लाह हक्का, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सच्चा वादा है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो निहायत गालिब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गालिब है हर काम को करने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए, हमेशा रहने वाला जिस्म अता करने के लिए, हमेशा देने वाली जन्नत अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत गालिब है। और वो खूब हिकमत वाला है, उसके पास खूब हिकमत है कि किस तरीके से इस काम को वो अंजाम दे। आखिर दो आयतें, आयत नंबर 10, उस अल्लाह ने सुतूनों के बगैर, देखिए अब यहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का बयान शुरू हो रहा है, और तौहीद की दलील अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक को सामने ला करके दिखा रहा है। उसने सुतूनों के बगैर आसमान पैदा किए, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर सुतून के आसमान पैदा किए। और ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ने कह दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाता तुम उन्हें देख रहे हो कि वाकई बगैर सुतून के, बगैर खंबे के, बगैर बीम और कॉलम के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा आसमान को खड़ा कर दिया, तुम उसे देख रहे हो। और उसने जमीन में पहाड़ों को जमा दिया, यानी पहाड़ों को गाड़ दिया, एक दूसरी जगह आता पहाड़ों को लंगर की तरह गाड़ दिया,
आज से 1450 साल पहले इतना बड़ा साइंस वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई और नहीं बता सकता था कि पहाड़ जो है आसमान बगैर सुतून के है और जमीन में पहाड़ों को गाड़ा गया है, यानी पहाड़ एक अलग मटेरियल है जो नीचे से ऊपर तक अलग है और उसे बाकायदा गाड़ा गया है। साइंस ने बाद में इसमें रिसर्च किया और रिसर्च करके इसने बताया कि ये ऊपर से नीचे तक एक ही मटेरियल होता है और इसी से बिल्डिंगों का तस्वीर आया इसको देख करके और पेड़ को देख करके कि जब तक नीचे कोई चीज गड़ी हुई नहीं होगी ऊपर वो आंधी और तूफान से बच नहीं सकती, गिर जाएगी। तो बिल्डिंगें बनाई जाती है तो नीचे से उसको गड़ाया जाता है, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों को गाड़ा है कि ये आंधी और तूफान में ये पहाड़ गिर ना जाए। ठीक है, मतलब जमीन अलग मटेरियल है और ये पहाड़ अलग मटेरियल है। ये साइंस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 साल पहले दिया। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये पहाड़ को गाड़ा क्यों, ये हमारा कौन सा काम आता है, पहाड़ क्या फायदा देता है ये पहाड़ हमको? तो अल्लाह आगे फरमाता है ताकि जमीन तुम्हें तुम्हारे साथ हिलने न लगे, यानी जमीन डामाडोल ना हो जाए, यानी जमीन अनबैलेंस ना हो जाए, उसका बैलेंस खराब ना हो जाए, इसीलिए पहाड़ को गाड़ा गया है। अल्लाह अकबर, हमारे साइंस ने अब रिसर्च करके ये बताया कि पहाड़ जो है इस वजह से गाड़े गए हैं कि जमीन का बैलेंस खत्म ना हो। उस दौर में ये कैसे कहा जा सकता था कि ये बैलेंस के लिए बनाई गई है, जबकि उस दौर में तो आज से 1450 साल पहले तो ये बहुत दूर की बात थी। अभी अभी आज से यूं समझिए आपकी 30 साल पहले 40 साल पहले हमारा साइंस यहां तक पहुंचा था, 40 साल पहले ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे कि हमारा साइंस यहां तक पहुंचा था कि सूरज स्थिर है, सूरज जमा हुआ है और जमीन इसके आसपास घूम रही है। फिर बाद में कहता है कि नहीं जमीन स्थिर है सूरज इसके, पहले ये कहा कि जमीन स्थिर है सूरज इसके आसपास घूम रहा है, फिर कहा नहीं जमीन स्थिर, जमीन घूम रही है और सूरज जमा हुआ है, फिर बाद में अब जाकर के कहा आज से तकरीबन 20 साल पहले कि नहीं सूरज और जमीन ये दोनों गर्दिश कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1450 साल पहले बता दिया कि सूरज और जमीन और आसमान की जितने भी सैयारे हैं ये सब एक दायरे में तैर रहे हैं, एक सर्कल में ये घूम रहे हैं। अब जब कोई चीज उड़ रही है, तैर रही है, उसी को बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे फरमाया कि मैंने पहाड़ों को इसलिए गाड़ा हूं ताकि जमीन का बैलेंस बना रहे, यानी जमीन उड़ रही है वो तैर रही है और उसको बैलेंस की जरूरत थी और बैलेंस को बनाने के लिए हमने पहाड़ को गाड़ दिया। अल्लाह, फिर आगे अल्लाह फरमाता है और उसने उसमें हर किस्म के चौपाए फैला दिए। अब हर किस्म के जानवर उसने बनाए और उन जानवरों को फैला दिया। अब इसको भी आप गौर करें कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी जरूरत के जानवरों को अल्लाह ने फैला दिया, जैसे हमारी घर की जो खराब चीजें उसको खाने के लिए कुत्ते चाहिए, कुत्ते को फैला दिया, पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, बिल्लियों को फैला दिया, और इसी तरीके से जो हमारे फायदे के जो जानवर थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में फैला दिया, यानी दूध की हमें जरूरत थी दूध के जानवर पूरी दुनिया में फैल गए, गोश्त जिसका गोश्त हमारे लिए हलाल है वो जानवर पूरी दुनिया में फैला दिया, बोझ उठा के चलने वाले जानवर उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में फैला दिया कि ये बोझ लेकर के चलने वाले हैं। तो यहां पे अल्लाह ने फरमाया और उसने उसमें से हर किस्म के चौपाए यानी जानवरों को फैला दिया और हमने आसमान से पानी नाजिल किया। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। हवा के बाद इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो पानी है और पानी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी मिकदार में पैदा किया जिस मिकदार में इंसान को जरूरत थी। सबसे ज्यादा जरूरत हवा की थी, ऑक्सीजन की थी, तो आप देख लें स्पेस में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा रखा है और दूसरी चीज की जरूरत थी पानी की, तो दूसरे नंबर पर पानी को रखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और पानी को गिराने के लिए आसमान बनाए आसमान पे और हवा के जरिए से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके जहां मखलूक को पानी की जरूरत होती है वहां पानी गिराता है। फिर हमने उसे जमीन में हर किस्म के, अब उस पानी को गिरा करके अल्लाह फरमाता है कि उस पानी को हमने क्यों गिराया। फिर हमने उस जमीन पर हर किस्म के नफीस और उम्दा चीजें उगाई, साफ सुथरी नफीस और उम्दा चीजें यानी ताजा और अच्छी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उगाई। ये तो है अल्लाह की मखलूक,
اب یہ سب ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ زمین اور زمین میں پہاڑوں کا گاڑنا کہ تمہارا بیلنس پرتھوی کا جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور آسمان کو اگر بغیر ستون کے ٹانگ دیا اور ہوا چلا دی اور جانوروں کو پھیلا دیا، اور یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کیا. پھر مجھے دکھاؤ کہ، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور پھر مجھے دکھاؤ کہ وہ یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے، کیا پیدا کیا ہے. اللہ کے علاوہ جو ہیں جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہے، خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھ لیے ہو، اور آج بھی، اور دیکھتے جائیں آپ کہ اس دور سے ابھی تک جہاں جہاں پر بھی جو شرک ہو رہا ہے، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ کیا چیز کو پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے بلکہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. یہ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے شرک کیا، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے. دنیا کے اندر بھی یہ گمراہ ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام برے سے برا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق اور مالک ہمیں توفیق عطا فرما. آج کی اس کلاس سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کیا، کیا چیز ہم نے سیکھنے کو ملی، چند وقت کے اندر اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس پارے کا یہ 10th رکوع تھا، اور اس کے اندر ہمیں مقصد زندگی کیا ملا اس آج کی کلاس کے اندر. کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ہدایت پر ہونا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 5 کے اندر رب کی ہدایت پر ہمیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت. دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے. اس تعلق سے 7 پوائنٹس ہیں، اس کو نوٹ کریں. 9 نمبر کی آیت میں، نمبر 1 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، مخلص بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، دوسری جگہ کہا کہ ایمان والے بن جاؤ، پھر کہا کہ تقوی والے بن جاؤ، اور جو صفات اللہ رب العزت نے بتائی ہے ان صفات کے اندر اگر ہم آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے. یہ اللہ رب العزت سچا وعدہ کرنے والا ہے، 9 نمبر کی آیت میں تھا. دوسرا، 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا اور حکمت والا ہے، اللہ رب العزت غالب ہے کچھ بھی کرنے پر اور وہ حکمت والا. تیسرا، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے جو ہم کو بندوں کو کی گئی ہے. 10th پوائنٹ تھا، 10th نمبر کی آیت میں تھا. 4th پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ کو جمع دیے، پہاڑ کو یعنی گاڑ دیے ہیں، یہ 10th نمبر کی آیت میں تھا. 5th، اللہ تعالیٰ نے جانور زمین میں پھیلا دیے. اللہ رب العزت کی یہ احسان و کرم ہے کہ اس نے جانوروں کو بھی زمین میں پھیلا دیا جس طریقے سے انسانوں کو پھیلایا ہے، یہ 10th نمبر کی آیت میں تھا. اور 6th، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، یہ 10th نمبر کی آیت میں تھا. 7th، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ چیزیں اگائی ہے، یہ ہمارے کھانے کے لیے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و شکر ہے، 10th نمبر کی آیت میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. آج کی اس کلاس میں جو ہم نے سیکھا، 5th آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ہدایت پر رہنا سکھایا کہ رب کی ہدایت پہ کیسے رہا جائے گا، جو وحی آئی ہے اس وحی پر عمل کر کے. 6th آیت میں تھا. 2nd پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غافل کر دینے والی باتوں کے خریدار بننے کی حقیقت کو واضح کیا کہ کس طریقے سے یہ غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنیں گے، یعنی ناچنے اور گانے والیوں کو لے کر کے آنا اور ان سے موسیقی سننا اور ان سے گانا بجانا سننا اور اس طریقے کی چیزوں کو، جیسے آج ہمارے موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اس سے بچنے کا ہمیں ترغیب دلائی گئی، سورہ لقمان آیت نمبر 6. 3rd، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بغیر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکانے کی حقیقت کو واضح کیا، آیت نمبر 6. 4th، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت واضح کی کہ تکبر کی کیا حقیقت ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام یا نبی کے فرمان کا انکار کر دینا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، یا اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت کو واضح کیا، آیت نمبر 7 کی تفسیر کی روشنی میں. انجام، 4th پوائنٹ ہمارا انجام، اس کا پہلا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے.
अब अल्लाह के कलाम से, अल्लाह ताला की आयत से मुंह मोड़ना किस तरीके से हुआ था मक्का के अंदर और आज भी किस तरीके से हो रहा है, एक तो इसका इनकार कर देना, दूसरा इसको सुनने, इसको सीखने और समझने से इनकार करना, तीसरा इसके अमल से इनकार करना। तो जो भी इसका इनकार करेगा तो दुनिया में और आखिरत में वो दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक होगा। फिर से समाप्त करें, पहला पॉइंट, जो लोग अल्लाह ताला की आयत से मुंह मोड़ते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाई गई है, आयत नंबर 7। दूसरा पॉइंट, ईमान लाकर नेक अमल करने वालों के लिए नेमत भरे बागात हैं। ईमान लाकर के अमल साले करने वालों के लिए नेमत भरे बागात हैं, सूरह लुकमान आयत नंबर 8। कामयाब लोगों के रवैये, सक्सेस कौन लोग होने वाले हैं, सबसे पहला आयत नंबर 2 के अंदर, नेकी करने वाले यानी महसिन लोग, एहसान करने वाले, ये कामयाब होने वाले लोग हैं। हमें चाहिए कि हम भी इनके जैसे बनने की लिए दुआ करें और बनने की कोशिश करें। नंबर 2, नमाज कायम करना आयत नंबर 3। तीसरा, जकात अदा करना आयत नंबर 3। चौथा, आखिरत पर यकीन रखना आयत नंबर 4। आखिरत पर यकीन रखना। पांचवा, रब की हिदायत पर होना यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर अमल करना, ये असल हिदायत है और यह है सूरह लुकमान आयत नंबर 5। ये कामयाब होने वालों की सिफत है कि जो अहकाम का उन्हें इल्म हो जाता है, जो वही का इल्म हो जाता है, उस पर वो अमल करते हैं। नाकाम लोगों के रवैये, नंबर 1, गफलत कर देने वाली बातों के खरीदार बनते हैं, गाफिल कर देने वाली बातों के खरीदार बनते हैं। जो अल्लाह के दीन से गाफिल कर दे, जो कुरान से और हदीस से गाफिल कर दे, जो अल्लाह के कलाम से गाफिल कर दे, उसके वो खरीदार बनते हैं, अब वो कोई भी चीज हो। सूरह लुकमान आयत नंबर 6। ये नाकाम लोगों के रवैये हैं, अल्लाह हमको महफूज रखे इन रवैयों से, इन हरकतों से। नंबर 2, इल्म के बगैर लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से बहकाना, इल्म नहीं है उनके पास, सही हदीस नहीं है, कुरान की आयतें नहीं है, और अपनी मर्जी से, अपने लॉजिक से, अपनी ख्वाहिशात से लोगों को गुमराह करना, ये नाकाम लोगों के रवैये, आयत नंबर 6। तीसरा, अल्लाह वालों का मजाक उड़ाना यानी अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वालों का मजाक उड़ाना, उनके किसी सुन्नत का या किसी फर्ज का मजाक उड़ाना, ये भी नाकाम लोगों के रवैये है, आयत नंबर 6। तकब्बुर करना आयत नंबर 7। ये नाकाम लोगों के रवैये है, तकब्बुर करना यानी अल्लाह के हुक्म का इनकार या किसी को अपने से हकीर समझना, ये नाकाम लोगों के रवैये है, अल्लाह महफूज रखे। पांचवा, खुली गुमराही में होना यानी पता है सही क्या है गलत क्या है उसके बाद भी गुमराही में होना, आयत नंबर 11। आओ कुछ कर लें यानी किसी काम के करने का, आज की क्लास में हमने किस काम के करने का अहद करना चाहिए, क्या सबक हमें आज की क्लास में मिला। पहला तो मकसद हमने बनाया कि रब की हिदायत पर होना है हमें, यानी रब की हिदायत पर अमल करना है, ये हमने मकसद बनाया। और हमने क्या अज्म करना है, तफरी यानी गफलतों से अपने आप को बचाना है इंशाअल्लाह ताला, गफलतों से अपने आप को बचाना है कि हम वक्त को गाफिल कर दे, और वक्त को अगर हमने गाफिल कर दिया तो फिर हम खैर को कैसे समेट पाएंगे। जो हमारे पास वक्त था या तो हमने उसको सोने में गुजार दिया या लायनी बात में हमने गुजार दिया, उसको हमने नहीं देखा, मौसीकी यानी गाना और बजाना नहीं देखा, लेकिन जबरदस्ती के ख्यालात में हमने अपने वक्त को गुजार दिया, सोच रहे हैं बैठ करके ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, ये वक्त को गंवाना है। या झूठे कहानी और किस्सों में अपने आप को उलझा करके रखना, या व्हाट्सएप और फेसबुक में ऐसी चीजों को देखना जिससे ना दुनिया का फायदा है ना आखिरत का फायदा है, तो ऐसी चीजों से हमें अपने आप को बचाना है, यही गफलत के खरीदार है। तो तफरी गफलतों से अपने आप को बचाने की इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, आज की क्लास से ये मिला। और मंजिल है कहाँ हमारी, यानी हमें अब ये देखना है कि क्या हमने आज की इस क्लास के अंदर इन चीजों का अज्म किया है, ये हम अपना एनालिसिस करेंगे, हम अपना मुहासबा करेंगे कि आज की क्लास में क्या हमने ये चीज को लेकर के उठे, और नहीं लेकर के उठे तो इसको अभी नोट करेंगे। सबसे पहला, क्या मैंने रब की हिदायत पर रहने का इरादा कर लिया है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही है उस वही पर मुझे अमल करना है। दूसरा, क्या मैंने गफलत कर देने वाली बातों का
خریدار بننے کے حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا کہ کون کون سی چیز مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی ہدایت سے غافل کرتی ہے، تو اس کو مجھے سمجھنا ہے اور اس سے مجھے رکنا ہے. کیا میں نے تیسرا کیا میں نے علم کے بغیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ کہ لوگوں کو اللہ رب العزت سے روک دینا، یعنی اپنی خواہشات سے یا اپنے لاجک سے، تو اس کی حقیقت کو مجھے سمجھنا ہے. چوتھا، کیا میں نے تکبر سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں تکبر نہیں کروں گا، اللہ کا حکم آئے گا تو اطاعت ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا ہے. کیا اس کا ارادہ کیا؟ پانچواں، کیا میں نے مومنین بننے کا ارادہ کر لیا ہے، سوری محسنین بننے کا، احسان کرنے والا، کہ کوئی مجھے فائدہ نقصان کسی سے ہونے کا نہیں ہونے کا اندیشہ ہو نہ ہو، کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو، مجھے اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ مجھے تو اجر اللہ رب العزت سے رہنا ہے، اور وہ عمل اس حالت میں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.